बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो माय डॉक्टर में। आज हमारे साथ हैं नागपुर के जाने माने अभिदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण साहब। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि माय डॉक्टर इज अ सीरीज इंटेंडेड टू बी द गाइडेंस टू एजुकेट लोकल मासेस, जनरल मासेस, उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ होने वाले हैं। और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाता है कि हेल्थ इश्यूज तो आजकल काफी हो गए हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज पे अब अवेयरनेस भी बढ़ गया, लोग डॉक्टर को जल्द अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा हेल्थ इशू है जिस पर आज भी इन द 21st सिनेरियो हम जो है बहुत हिचकिचाते हैं ओपनली बात करने के लिए, और उसके बाद हम डॉक्टर को काफी लेट अप्रोच करते हैं। ये लेट अप्रोच काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और मैं बात कर रही हूँ पाइल्स बवासीर हेमरॉइड्स। डॉक्टर, पाइल्स हेमरॉइड्स ये कैसी समस्या जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और बहुत आम हो गई है, लेकिन पाइल्स एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे कि होता क्या है? एक्चुअली हेमोराइड्स ने एनएस की जगह, गुदबाग की जगह कोई भी वेनस कंजेशन होने से वहाँ पर वेनस का डायलेशन हो जाता है और वहाँ पर गुदबाग से कुछ मास जैसे बाहर आता है, उसको पाइल्स से बोला जाता है। पाइल्स में मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसमें सिर्फ ब्लड जाता है, दूसरा प्रकार जिसमें मस्से मोशन करते समय बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा प्रकार होता है जिसमें मोशन करते समय मस्से बाहर आते हैं और हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा प्रकार होता है जिसमें मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। ये चार स्टेज होती है, इसकी हम लोग विशिष्ट दूरबीन के द्वारा, वीडियो एंडोस्कोपी के द्वारा जांच करते हैं और उसके अनुसार उसकी स्टेज डिसाइड करते हैं। अभी इसके जो लक्षण होते हैं पाइल्स के, इसमें मुख्यतः ब्लीडिंग होना ये सबसे पहला लक्षण है। पाइल्स में कभी भी दर्द नहीं होता है। सबसे पहले गलतफहमी लोगों के मन में ये होती है कि मुझे गुदबाग में पेन होता है तो मुझे पाइल्स हो गया, वो पाइल्स नहीं होता है। पाइल्स में जो पेन है वो सिर्फ लास्ट स्टेज में होता है, जब फोर्थ स्टेज में पाइल्स जाता है तभी उसमें दर्द होता है। मुख्यतः पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो धार जैसा या पिचकारी जैसा ब्लीडिंग होता है, पूरा कमोड की सीट भरती है, इस प्रकार से ब्लीडिंग होता है। मोशन करते समय कई सालों तक अगर ये समस्याएं बनी रहती है तो उनका हीमोग्लोबिन कम आना, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इनको म्यूकस या ऐसा श्लेष्मल द्राव गुदमार्ग से जाना, ये जो लक्षण है ये मिलता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं, मलबद्धता, इन सब कारणों से जो पाइल्स है वो बढ़ता है। वैसे तो काफी वाइड सब्जेक्ट है और इसके प्रकार भी काफी, अगर धीरे से हम ब्रीफ में और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स, ऐसे दो प्रकार के पाइल्स होते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स जो है वो स्किन यानी बाहर की तरफ होता है, और इंटरनल पाइल्स जिसके मैंने अभी चार प्रकार बताए, पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है, दूसरा मस्से बाहर आता है और अपने आप अंदर चले जाते हैं, और तीसरा प्रकार जिसमें मस्से हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा प्रकार जिसमें मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। ये दो प्रकार के एक्सटर्नल और इंटरनल के पाइल्स अलग अलग डिवाइड किए। क्या कारण माना जा सकता है इसके पीछे? मुख्यतः पाइल्स या बवासीर होने का मुख्य कारण है जलमजात, वहाँ पर जो वेसल्स होती है उसमें जड़पे नहीं होती है, वाल्व्स नहीं होते, वाल्वलेस होती है। तो नेचुरली जो ह्यूमन पोस्चर है, ज़्यादा समय तक खड़े रहना, ज़्यादा समय तक एक समय पर बैठे रहना, इसकी वजह से फ्लो ऑफ प्रेशर जो है, ब्लड का जो फ्लो है वो टुवर्ड्स एनस ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा मिलती है। दूसरा एक कारण है कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, वो आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो बदल गया है, खाने पाने जो हमारी आदतें हो गई है वो उसकी वजह से जंक फूड खाना या बाकी सब आदतों से हमारा कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या बढ़ गई है। महिलाओं में अगर हम कारण देखें तो कुछ हार्मोन्स की वजह से, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म जिन महिलाओं को होता है उन महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और हेमोराइड जैसी समस्या होती है। साथ ही साथ महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के समय विशिष्ट प्रकार का हार्मोन्स बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नेचुरली, या फिर गर्भाशय का वजन बढ़ने से
गुद पाक पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से हेमोराइड्स डेवलप होते हैं और हर एक गर्भावस्था की महिलाओं को ये सिम्टम्स कभी ना कभी दिखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी जो हेमोराइड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हेमोराइड्स होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी एक बार बेबी बाहर निकलने के बाद ये हेमोराइड्स अपने आप भी ठीक हो सकते हैं, पर इसका सही समय पर निदान करना उतना ही आवश्यक है। जी, कैसे ना कैसे देखा जाता है हेल्थ इश्यूज में, एक टाइम था कि ये सारी चीजें एक एज लिमिट के बाद होती थी, बट अब ये यंग जनरेशन में ज्यादा पाई जाती है। और आपने जैसे कहा कि लाइफस्टाइल हमारी बहुत ज्यादा हैमर हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, तो क्या ये रेशियो बढ़ा है पहले से अब ज्यादा? बिल्कुल, अभी पिछले 12 साल से हम लोगों ने देखा है, पिछले 12 साल से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें हमको ज्यादातर यंग जनरेशन इस बीमारी से पीड़ित दिख रही है। इसका कारण एक है कि देर रात तक जागना, आजकल सोशल मीडिया मोबाइल इसकी वजह से देर रात तक वर्क करना, वर्क फ्रॉम होम की वजह से आप कोविड के सिनेरियो में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है, तो इसकी वजह से यंग जनरेशन में क्या हुआ है कि उनका खान पान का आदतें बदली हैं, उनका जो सोने का समय है वो निश्चित नहीं हुआ, खाने का समय जो एटलीस्ट सुबह और शाम का जो निश्चित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से समस्याएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा स्पाइसी आउटसाइड फूड खाने की आदतें बढ़ रही हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज योगा इसका अभाव, इसके वजह से ये समस्या है यंग जनरेशन में हमको काफी दिख रही है। जी, कहीं ना कहीं आपने बहुत सही कहा कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो चुका है, मे बी हम लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, हम खाना जो है हम पेट भरने के लिए खाते हैं, ना कि हम एक प्रॉपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमेशा से कहते हैं कि खाना आपका जो डाइट है वो प्रॉपर आपके टाइम पर होना चाहिए, लेकिन आजकल हम इतनी यंग जनरेशन इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि जब हमें भूख लगती है और बहुत तेज भूख लगती है तो हम पेट भरने के लिए जो मिलता है वो खाते हैं, और वो सबसे ज्यादा होता है फास्ट फूड। आई वोंट ब्लेम फास्ट फूड, इट्स ओके अगर आप वेस्टर्नाइज कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन आपका डाइट बहुत मेंटेन होना जरूरी है, और आयुर्वेद में आप इतने सालों से सर्व कर रहे हैं। हमारा जो आहार है वही सर्वोत्तम औषधि आयुर्वेद में बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य से व्याधि परिमोक्षण, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो पीड़ित या रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसके आयु की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का परम उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत ये कि आप बीमारी ना हो, इसलिए आपके खान पान लाइफ स्टाइल आपका आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये त्रय उपस्तंभ आयुर्वेद में बताया गया है, वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का साम्य होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी ऋतु बदल रहा है, अभी हम धीरे धीरे ऑलमोस्ट गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम या बरसात का मौसम, ये तीनों सीजन हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, पर एक्चुअल अभी जो काल शुरू हो रहा है ठंडी का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हर एक सीजन के अनुसार डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसका सविस्तर वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। और इनिशियल स्टेज में जैसे अभी कोई हम लोग जैसे बहुत सी जैसे बीमारियों की बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग को पहले डाइट प्लान ही समझाते हैं, उनको मेडिसिन द्वारा ही ट्रीटमेंट देते हैं, और जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के पाइल्स हैं उन लोगों को ही लेजर ट्रीटमेंट या बाकी मॉडलिटीज ऑफ सर्जरी की ट्रीटमेंट हम इंडिकेट करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है आयुर्वेद के हिसाब से कि सबसे पहले अग्नि की चिकित्सा कराना, यानी हमारा जो अग्नि बांधे हुआ है जिस डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर हुआ है उसकी चिकित्सा करना, उसके बाद उसके अनुरूप जो चिकित्सा हम लोग करते हैं वो व्याधि की या डिसीज की जो स्टेज है उसके अनुसार करते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीज एकदम से तैयार नहीं होता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो चय प्रकोप प्रशम इस हिसाब से उसकी जो स्टेजेस है होती रहती है, तो डिसीज को डायग्नोस करके उसकी स्टेज डायग्नोस करके और उसके अनुसार अपने अग्नि को बढ़ा के हम लोग आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को यूज करते हैं। जी, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेद बहुत लॉन्ग असर करता है एक्चुअली अगर हम देखें सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, और जब क्योंकि जैसे कि हमने पाइल्स में इंट्रोडक्शन में यही कहा कि लोग बहुत लेट अप्रोच करते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं और अलार्मिंग सिम्टम्स कौन से हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है? सबसे पहले अगर हम लोग पाइल्स की समस्या को देखेंगे तो पाइल्स में सबसे पहला ब्लीडिंग सिम्टम्स होता है और ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए पेशेंट्स क्या होता है कि इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, देखिए डॉक्टर साहब मुझे बहुत सारा से तकलीफ है और मुझे कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए हम लोग कभी दिखाई नहीं, कोई दवाई खाए, किसी ने बताया मलम लिया जी। या कोई ऐड देखा उसमें से देख के, और बिना जांच किए कई सालों तक ये समस्या है वो लोग
अपने साथ लेके जाओ ओवर द काउंटर टेबल कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, अगर आपका ब्लीडिंग ऐसे ही रोज जाते रहेगा तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल हमने देखा है कि जो नॉर्मल 10 के ऊपर चाहिए, 11 के ऊपर चाहिए, ऐसे पेशेंट्स में 1 या 2 ग्राम हीमोग्लोबिन हमको पाया जाता है। तो ऐसे स्टेजेस में फिर सीवियर उनको हिमोरेज होना या फिर एनीमिया डेवलप होना, उसके बाद उनको ब्लीडिंग होने की वजह से जो एनीमिया डेवलप होता है उसको पहले करेक्ट करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, या उनको हमेशा थकान महसूस होता है, ये समस्याएं होती रहती हैं। तो इस समस्याओं के साथ में अगर अर्ली स्टेज में हमने अगर इसका निदान किया तो हम लोग बाकी कॉम्प्लिकेशन होने से बच सकते हैं। और ब्लीडिंग ये सबसे पहला मेन सिम्टम्स पाइल्स का है, क्योंकि दर्द जो है वो लास्ट स्टेज में होता है, फोर्थ स्टेज में। पाइल्स में ब्लीडिंग ही मेन सिम्टम है और दर्द जो है वो फिशर या और कई प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से। बट डॉक्टर, ब्लीडिंग जो आपने सिम्टम बताया वो यूजुअली आजकल डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज है उसके वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो बहुत आम सी हो गई है, और ये जो ब्लीडिंग वाला फैक्टर है ये चीज तो अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया या फिर जैसे फास्ट फूड की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं हम, लिक्विड डाइट नहीं लेते, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर हल्का सा ब्लीडिंग होना तो एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। तो इस पे किस तरह से? नहीं नहीं, फीकल ब्लड लॉस जो है वो कुछ लिमिटेड लेवल तक ही 0.12 ml तक ही नॉर्मल है। अच्छा, हाँ। इसमें आपको अगर ब्लीडिंग रोज ही जा रहा है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपको पाइल्स हो सकते हैं जिसमें पिचकारी जैसा ब्लीडिंग आता है। अच्छा। फिशर हो सकता है जिसमें आपको हार्ड स्टूल के साथ दर्द होगा और ब्लड जो है वो स्टूल को लग के आएगा, उस स्टूल को लग के आएगा ब्लड। अच्छा। इसके अलावा पॉलिप्स हो सकते हैं बच्चों में, उनमें भी ब्लीडिंग होता है तो उसमें भी कुछ मस्से ऐसा बाहर निकलेगा, साथ में पेनलेस ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा अगर वहाँ पर एब्सेस या फोड़ा हुआ है तो उसकी वजह से पस के साथ ब्लीडिंग आएगा। ओके। और फिशुला अगर है तो पस के साथ ब्लीडिंग होना, दर्द होना और निरंतर मवाद बहते रहना, ये सिम्टम्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो अलग अलग बीमारियों में ब्लीडिंग होना ये अलग अलग सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। जी, आप कितने सालों से सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा पे आपका बहुत अच्छी पकड़ है और आप नागपुर में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो आपका अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल कितने सालों से ये काम कर रहा है? अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल की हमने आज से 12 साल पहले शुरुआत की थी। Okay. एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था जी। आज वो वटवृक्ष बनने जा रहा है जी। और अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल की अभी पहले रामेश्वरी चौक में ही एक ब्रांच थी और आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी दूसरी ब्रांच भी स्थापित हो गई है जो कि मनीष नगर रोड पर है, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड पर। तो अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में हमारा निरंतर प्रयास यही रहा है कि हमारी जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उसको समाज तक पहुँचाया जाए, और हमने जो भी ज्ञान विदेशों से लिया है, जो भी टेक्नोलॉजी या तंत्र ज्ञान लेजर का हो या बाकी बीम टेक्नोलॉजी का हो, वो सबसे पहले हमने समाज तक पहुँचाने का काम किया है। और जो भी हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें यूनिकनेस ये होता है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लो कॉस्ट में होती है। Okay. और हर महीने 1 से 5 तारीख तक जो कि शिविर हम लोग आज तक चलते जी, आ रहे हैं ये बहुत वो चलते रहते हैं। और आगामी आने वाले जैसे नवंबर महीने में वर्ल्ड पाइल्स डे होता है 20 नवंबर, तो उसमें हमारे हर साल की तरह इस साल भी शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें नवम्बर माह में 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो लेजर ट्रीटमेंट है उसमें 50% तक छूट होती है। अच्छा। और जो गरीब वर्ग है के लोग है जो अफोर्ड नहीं करते लेजर ट्रीटमेंट का छोटा सा कॉस्ट भी, तो उनके लिए निशुल्क चिकित्सा की भी हमने व्यवस्था की। ये बहुत बेहतरीन कार्य है सोसाइटी के लिए। हम जब सिम्टम्स की बात करते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट और डायग्नोस की बात आती है। आप इतना आउट ऑफ इंडिया भी अब्रॉड जाकर भी इसका ये प्रशिक्षण ले चुके हैं, वहाँ के सिनेरियो में यहाँ के सिनेरियो में तो काफ़ी अंतर है, वहाँ की लाइफस्टाइल में यहाँ की लाइफस्टाइल में, चाहे हम वेस्टर्नाइज हो चुके हैं लेकिन वहाँ कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ जब ट्रीटमेंट की बात आती है, डायग्नोस की बात आती है, यहाँ कितना डिफरेंस आया है अगर हमारे यहाँ? देखो, विदेशों में और हमारे देशों में चिकित्सा पद्धतियों का काफ़ी डिफरेंस हमने देखा है। जैसे आयुर्वेद हमारी मुख्य पैथी रही है, आयुर्वेद जो भारत की मुख्य धारा चिकित्सा पद्धति है। और बाहर वेस्टर्न कंट्री, जैसे मैं अभी चाइना में था कुछ दिन, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो चाइनीज मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन दो वहाँ के जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर भी बहुत मात्रा में मॉडर्न मेडिसिन के साथ चाइनीज मेडिसिन का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि बीम टेक्नोलॉजी है या जो भी उनके इन्वेंशन है, वो अभी अभी हम लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया है। और मध्य भारत में सबसे पहले हमने बीम टेक्नोलॉजी का आविष्कार लाया और लोगों को, समाज के हर एक घटक को उसका फायदा दिलाया। तो भारत एक वर्ष ऐसा है कि
अभी कल ही हमने पूरे 1 करोड़ जनता ने वैक्सीनेशन किया है। yes, ये सबसे बड़ी और गर्व की बात है सभी भारतवासियों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना के इस महामारी में हम लोग कहीं थोड़ा सा हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो चुके हैं। तो दिन ब दिन हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी रहे या और भी कोई टेक्नोलॉजी रहे, तो वो दिन ब दिन हम लोग विकास तो कर ही रहे हैं। और हमारा सबसे पहला मोटो जो है कि समाज के हर स्तर तक, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ पर सब लोग इंश्योर्ड होते हैं, हमारे यहाँ पर वैसा नहीं है। अभी भी कुछ लोग जो है उनको डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन लोगों को हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जैसे लेजर ट्रीटमेंट है ये अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमारा सेंटर अभ्युदय पॉइंट लेजर सेंटर हमेशा अग्रसर रहा है और आगे भी रहेगा। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ट्रीटमेंट की बात आती है डॉक्टर की, ट्रीटमेंट किस प्रकार है, क्योंकि टाइप्स बहुत सारे हैं, तो ट्रीटमेंट भी उस तरह से वैरी करता होगा, तो किस तरह का? जैसे हमने पाइल्स के 4 ग्रेड की बात की, पहला ग्रेड जो होता है उसमें कोई भी प्रकार के लेजर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ हम लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, सिक्स बाथ लेने के लिए बोलते हैं, तीखा मिर्च मसालेदार ये बंद करने के लिए बोलते हैं। सेकंड स्टेज के अगर पाइल्स है तो उनमें हम लोग लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, और लेजर ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि जिसमें कोई चिरफा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई घाव नहीं होता, और इसमें एक विशिष्ट प्रकार के लेजर के माध्यम से पाइल्स के जो मस्से हैं उसके बेस में ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके द्वारा वहाँ की जो वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है, और जो प्रोलैप्स या पाइल्स बाहर आया हुआ रहता है वो अपने आप अंदर नॉर्मल पोजिशन में रिट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें चिरफाड़ न होने की वजह से ये ट्रीटमेंट जो है ये पेनलेस होता है। ऑफिस आवर्स में ये ट्रीटमेंट करके लोग अपना रूटीन ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। और थर्ड और फोर्थ स्टेज के अगर पाइल्स है तो उसमें भी लेजर है, बीम टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। जैसे बीम का अगर हम लोग विचार करें तो BIM मैंने बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इंपेंडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार के मशीन के द्वारा, बीम मशीन के द्वारा, जैसे ये पाइल्स का मस्सा है तो इसके बेस पे हम लोग एक पिंसर नामक इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं, तो जो पाइल्स का जो मस्सा है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि दूध की पन्नी हम लोग पैक करते हैं, है ना, सील करते हैं, जब उसको सील करते हैं तो वो एक प्रकार का, जिस प्रकार से वो लेयर तैयार हो जाता है जहाँ पर मशीन सील करते हैं, तो उसी प्रकार का लेयर वहाँ पर तैयार होता है, जिससे वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई पाइल्स को होता रहता है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो जाता है, वो अपने आप स्लग अप हो जाता है, वहाँ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो ये स्टेजेस के अनुसार ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हम लोग करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद 4 सूत्र थेरेपी है, उसका भी हम लोग फिशुला में यूज करते हैं या पाइलोडेंटल साइनस में यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग स्टेजेस देख के जो मॉडलिटीज है उसका इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी कब इम्पोर्टेंट हो जाती है, ऐसी कौन से स्टेज में सर्जरी अब करना जरूरी हो जाता है? सर्जरी मोस्टली 3rd या 4th stage के जो पाइल्स हैं उसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसमें भी एडवांस लेजर होने की वजह से अभी इसमें बहुत बड़ा घाव नहीं रहता है और ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता है, वन डे सफिशियंट हॉस्पिटल स्टे रहता है। और इसमें आपको ऑफिस आवर्स में या OPD आवर्स में ट्रीटमेंट करके भी आप अपने रूटीन काम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर्जरी का जो इम्पोर्टेंस है वो 3rd या 4th stage है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे स्टेजेस में, जिनका हीमोग्लोबिन तुरंत कम हो गया है, ऐसे स्टेजेस में सर्जरी जो है इंडिकेट करते हैं। खान पान का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अगर हम बवासीर और पाइल्स की बात कर रहे हैं तो, और स्पेशली आयुर्वेदा में
आप हमेशा से बताते आए हैं कि खान पान का जो महत्व है और जो लाइफस्टाइल में जो डाइट का इम्पोर्टेंस है वो आपसे सुनना बहुत जरूरी है और दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल तो हमारा जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण भाग है। एक्चुअली जितने भी बीमारियां हमने देखे हैं आजकल, हम लोग देखेंगे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, हाइपोथायरॉइडिज्म है या पाइल्स है, फिशर है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो अपना लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। तो इसलिए हमारा रूटीन जो है वो हम लोगों को सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। धर्मार्थ और काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की अगर प्राप्ति करना है तो उसके लिए अपना आरोग्य उत्तम होना बहुत जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसलिए आपको अपना रूटीन सेट करना है। आपको सुबह प्रातःकाल नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से तो आप 4 बजे उठना चाहिए, पर अभी पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप 6 to 7 आप उठ के योगा प्राणायाम, जैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन से समस्या है वो लोग पवन मुक्तासन है और कुछ आसन है उनका अभ्यास कर सकते हैं एक्सपर्ट की सलाह से, और साथ में योगा प्राणायाम के साथ आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है उसका टाइम आप सेट करिए। कभी कभी कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कुछ लोग लेते हैं या फिर ये आप ना करें, हो सके तो अपना रूटीन जो है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से आप लोग 10 बजे का या 9 से 10 बजे सुबह का खाना होना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के पहले यानी 6 से 7 बजे का खाना का समय आयुर्वेद में बताया है, जिससे हम काफ़ी सारी बीमारियों को और होने से बच सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों को लगता है कि मुझे पाइल जैसी समस्याएं ना हो, तो उन लोगों को डाइजेशन अच्छा करने के लिए तक्रक पान यानी छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें काला नमक डाल के या उसको स्वादिष्ट बना के आप बना सकते हैं। हो सके तो उसको फ्रिज में ना रख के बाहर ही ताज़ा सेवन करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जिन लोगों को ज़्यादा पित्त प्रकृति के लोग हैं उन लोगों को वैसे छाछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे पित्त प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके अलावा आंवले का मुरब्बा जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो खा सकते हैं, जैसे अभी आंवले मार्केट में आए हैं, आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। खाने में कड़वी जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, जो कि पित्त को शमन करने के लिए, ब्लीडिंग कम करने के लिए सहायक होती है। और पेट साफ अगर नहीं होता है तो आप आंवले का चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण या सिंपल हरड़ का चूर्ण 3 से 4 ग्राम कुनकुने पानी के साथ रात को ले सकते हैं। गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना ये भी आप कर सकते हैं। और डाइट को हमारा शेड्यूल में इस प्रकार से आपको सेट करना है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट भी खाते हैं तो उसको कम मात्रा में कम स्पाइसी बना के सिर्फ उबला हुआ डाइट ले सकते हैं। और वेज जो खाना खाते हैं उन लोगों के लिए आपके खाने में जैसे पूरा जो आहार आयुर्वेद में बताया गया है षड्रसात्मक आहार होना चाहिए, 6 प्रकार के रस उसमें होना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी रस युक्त आहार हमें होना चाहिए। तो सीजनल फ्रूट्स भी हम लोग ले सकते हैं, उसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अपने अग्नि को बढ़ाने के लिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती है, ऐसे लोगों को काला जो नमक होता है उसका और अदरक जो होती है जिंजर उसका एक टुकड़ा खाना खाने के पहले सेवन अगर करते हैं तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो लोग सुबह उठ के कुनकुना पानी पी सकते हैं या रात को सोते समय पी सकते हैं, इससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम चलते हैं, हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीज़ अगर हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कभी बीमारी नहीं होंगे। सोने की आदतें हमको बदलना है। सुबह अगर हम लोग उठते हैं तो आपको कमोड़ की आदतें भी सबसे पहले बदलना जरूरी है, ये तो है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मोबाइल लेके कमोड़ में बैठते हैं और आधा आधा एक एक घंटा बैठते हैं, वो गलत है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ये सब पाइल से समस्याएँ बढ़ रही है। तो आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसको फॉलो कीजिए। कई ऐसी गलत धारणाएं भी हैं पाइल्स को लेकर, तो अनगिनत हैं और आप इतने टाइम से सर्व कर रहे हैं, आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, जैसे कई सवाल आपके सामने भी करते हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है, ऐसी कौन सी मिथ्स हैं? सबसे पहले लोगों के मन में ये गलत विश्वास है कि पाइल्स का ऑपरेशन करने से वहाँ की पेशी का नियंत्रण चला जाता है। तो अभी लेजर या एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा नहीं होता है। दूसरी गलतफहमी लोगों के मन में होती है कि मैंने पाइल्स का ऑपरेशन कर लिया तो मुझे ये फिर से समस्याएं होगी या फिर से ये प्रॉब्लम होगा, तो ये भी नहीं है। अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है
आपने अपने डाइट को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है और आपने सही ट्रीटमेंट कराया हो, सही एडवांस और ओरिजिनल लेजर की ट्रीटमेंट करवाए हो, तो आजकल मार्केट में हम लोग देखते हैं कि लेजर जो है एडवांस लेजर वो आए हैं, तो उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो इजी हो गया है, तो रिकरेंस या फिर से होने की समस्या जो है वो नहीं होती है। और लोगों को मन में तीसरा डर होता है कि मुझे ऑपरेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होगा, मुझे एक महीना घर में बैठना पड़ेगा। अच्छा। तो ये भी मिथ है, ये लेजर के आने से अभी आपको एक से दो दिन आराम करना है, आप तीसरे दिन अपने रूटीन जॉब के काम पे जा सकते हैं। जी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि अब तो ये नहीं कह सकते कि आपको आइल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है। आज बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, टीनेजर्स भी कंप्लेन करते हैं और बड़े बुजुर्गों, तो ये पहले से चलती आ रही है, लेकिन अब उनका कहते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छा है और हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हमेशा कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही कहा आपने। एक्चुअली आयुर्वेद का भी वही सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, उसको व्याधि पीड़ित ना होने दे, ये आयुर्वेद का मुख्य हेतु रहा है। इसलिए आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले खाने में कंट्रोल करें, तीखा मिर्च मसाला नॉनवेज इसका सेवन कम करें, सुबह और शाम को खाने का जो डाइट आपका फिक्स टाइम है उसको करें, और आने वाले जो अर्ज है जैसे कि आपको अगर यूरिन जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उसको उसी समय आप नज़रअंदाज ना करें, उसी समय आप नॉर्मल जो अर्जेस है उसको आप समय निकाल के जाए, सुबह लेट ना उठें, रात को देर रात तक ना जागे, ये दोनों ज़रूरी है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा बढ़ी है। और जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, उन लोगों को हरीतकी का चूर्ण 3-4 ग्राम रात को गुनगुने पानी के साथ अगर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं है। और छाछ पीना मैंने जो बताया है वो भी सबसे अच्छा है। और आप अगर आप टॉयलेट हैबिट को अच्छा करेंगे, जैसे आपका कमोड में बैठने का जो स्टाइल है, पैर के नीचे स्टूल लेके ही आप कमोड पर बैठे, हो सके तो इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं वो करें। और फ्लश करने के लिए आप जैसे इंडियन जेट फ्लश जो होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड वाला होता है, एक जेट होता है। तो जेट में मैक्सिमम फिशर होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे फिशर उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ की एनल की जो स्किन है वो डेलिकेट रहती है, तो उसकी वजह से फीशर होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हो सके तो हैंड वाला फ्लश यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सही समय पर अपने बीमारी का इलाज करें, निदान उसका करें, और हर एक पाइल्स के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, पर हर एक पाइल्स के लिए मेडिसिन भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसकी स्टेज का सही समय पर निदान करके एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके उसका निदान करना उतना ही आवश्यक है। जी, अब हमारे पास दो सेंटर्स हैं अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के, और अब आने वाले दिनों में ऐसे कौन से शिविर जो हैं आप आयोजित करने वाले हैं, तो दर्शकों को जानकारी हो, जो ग्रसित हैं वो जाके लाभ ले सकते हैं। जैसे अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल का एक ही सेंटर था रामेश्वरी स्क्वायर में, अभी हाल ही में एक नए सेंटर का उद्घाटन हुआ जो कि मनीष नगर रोड पर है, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड पर। तो आगामी हमारा वर्ल्ड पाइल्स डे 20 नवंबर को आने वाला है, तो उसमें हम लोग हर साल की तरह इस साल भी 15 तारीख से 30 तारीख तक लेज़र ट्रीटमेंट में 50% तक छूट देते हैं। साथ में जो गरीब लोग हैं जो इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं ले सकते, तो उनके लिए निःशुल्क शिविर का भी हमने आयोजन किया है, और हर महीने 1-5 तारीख तक जो शिविर रामेश्वरी स्क्वायर नागपुर रोड पर होते थे, तो वही शिविर का आयोजन वहाँ पर भी होगा, और दोनों समय हम लोग अवेलेबल रहेंगे, और महिला चिकित्सक वहाँ पर है, और जेंट्स पेशेंट्स के लिए या बाकी पेशेंट्स के लिए मैं तो खुद हूँ, तो हमारी जो ट्रीटमेंट मॉडल थी वो अभी थोड़ा सा विस्तीर्ण स्वरूप में और एडवांस जगह पर अभी उपलब्ध है, और दोनों सेंटर्स एज इट इज चालू रहेंगे और दोनों जगह पर हमारे आगामी जो शिविर है वो चालू रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारियाँ मैं दर्शकों को तो ज़रूर काम आएगी, और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक ऐसी हेल्थ इशू है जिसके बारे में बात करना और डॉक्टर को तुरंत अप्रोच करना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में हो चुकी है और हम एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हैमर कर रहे हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। काम आप करते रहिए, अपने करियर को आप अचीव करते रहिए, अपने गोल्स को अचीव करते रहिए, लेकिन जो आपका स्केड्यूल है मॉर्निंग टू नाइट का, वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अपने मील्स को प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए। एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, पीकू, जिसमें ये कहा गया था कि मोशन में ही इमोशन है, और ये बहुत सही है। अगर आपके मोशंस ही क्लियर नहीं होंगे तो आपका जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाएगा और उसकी वजह से आपके काम पर भी हैमर होगा। बस यही कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। डॉक्टर प्रवीण साहब के साथ बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए माई डॉक्टर। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माई डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज़ पर।